नगर निगम सदन की सातवीं बैठक गुरुवार को नगर निगम के सदन हॉल में महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक शुरू होने से पहले महापौर ने बीते दिनों नगर निगम के दो पूर्व पार्षदों के आकस्मिक निधन और पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव पढ़ा। उसके बाद मृत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। महापौर ने कहा कि सदन की प्रस्तावित मीटिंग आगामी 3 मार्च को किया जाएगा। इस अवसर पर नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त ए.के. सिन्हा, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र, महाप्रबंधक जलकल प्रमोद कुमार गुप्ता सहित नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पार्षद मौजूद रहे। पुलवामा में वे शहीदों को भी इस समय आज के दिन श्रद्धांजलि दी जाए। शोक प्रस्ताव पढ़ने के बाद हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे और 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस पीड़ा को सहने के लिए ईश्वर मिल जाए शक्ति दे। तो आज का विषय है और साथ ही एक सूचना है कि दोनों की प्रस्तावित मीटिंग पूर्व एजेंडे के अनुसार 3 तारीख को होगी। इसी कारण से उसको किया गया है। सूचना सभी पार्षदों को दी जाती है। मनोनीत पार्षद श्री भानु प्रताप जी का आकस्मिक निधन दिनांक 27/1 एवं माननीय पूर्व पार्षद श्री रामकृपाल त्रिपाठी जी का आकस्मिक निधन 24/2/19 को शोक प्रस्ताव पारित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिगवंत आत्मा को शांति को देश और राष्ट्र को सहज करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करें। सारा का श्रद्धांजलि देकर उन्हें शांति का संदेश हम लोग दें। इसके बाद